हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुष्मिता गौतम पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे अपने मील में, वेटोज रेसिपी में, बैंगन की सब्जी और साथ में मिक्स रोटी या मिक्स पराठा भी आप उसको बोल सकते हो, पनीर और गोभी का। तो चलो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले उसके लिए मैं बैंगन को हमने कट करके रख लिया, अभी उसके मसाले को भी हम कट कर लेते हैं। उसके लिए हमने लंबे लंबे 1.5 प्याज यहाँ पे कट किया है, उसमें 2 हरी मिर्च हम कट करके रख रहे हैं और साथ में हमें थोड़ा सा गार्लिक भी चाहिए क्योंकि मैं हर सब्जी में गार्लिक यूज़ करती हूँ, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, और जिंजर भी यूज़ करती हूँ। तो हम लगाते हैं अभी बैंगन की सब्जी को तड़का। मुझे पर्सनली बैंगन की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप ज़रूर ये ट्राई करना। बाकी आप रोटी किसी भी सब्जी के साथ ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सबसे पहले मैंने, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1.5 टीस्पून के अराउंड देसी घी ऐड कर लिया पैन में, और फिर हमने इसमें ऐड किया है जीरा। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे गार्लिक जो हमने जो है कट करके रख लिया था, और जब हमारा गार्लिक थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा तब इसमें हम ऐड कर लेंगे अनियंस और ग्रीन चिली। और आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, इसमें हम रोटी भी बनाएंगे, उसकी रेसिपी भी आपको साथ साथ ही पता चल जाएगी। वैसे लास्ट टाइम भी मैंने उसकी रेसिपी अपलोड की थी, वहाँ से भी देख सकते हो। और जब हमारा प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो गया, देन हमने इसमें ऐड कर दिया टमाटर। टमाटर मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया था कि अच्छी सी बन जाए, थोड़ी सूखी सूखी सी नहीं चाहिए थी, थोड़ी ग्रेवी जैसी बने ये बैंगन की सब्ज़ी तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैंने इसमें टमाटर ऐड किया, उसके ऊपर से मैं सारे मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहले हमने ऐड किया यहाँ पे सॉल्ट, और ये हमने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया, थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे किचन किंग, और इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी, और इसको पकाएंगे अच्छे से जब तक टमाटर पूरे गल ना जाए। बिल्कुल लिटिल बिट मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया था जिससे कि हमारे जो टमाटर की प्यूरी है बहुत अच्छे से, मतलब ये गल गए थे और बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो गया था। जब ये मिक्स हो गया देन इसमें हमने ऐड किए बैंगन, और इसे हम पूरा चला के अच्छे से लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक बैंगन पूरे अच्छे से पक ना जाए। तो साथ साथ हम आपको रोटी की रेसिपी भी बताते हैं। तो हमें जो हमारी रोटी या पराठा है उसके लिए सबसे पहले गोभी चाहिए। गोभी को हमने अच्छे से धो के रख लिया था, अब इसको हम करेंगे कद्दूकस। जितनी आपको रोटी बनानी है उसके हिसाब से आप क्वांटिटी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने अराउंड 200-300 ग्राम का एक गोभी का एक फुलता वो लिया है, और साथ में एक पैकेट पूरा पनीर का हम इसमें ऐड कर देंगे वेरका का। उसको भी हमने पूरा अच्छे से जो है कद्दूकस कर लेना है, जैसे आपने गोभी को देखा करे हुए सेम वैसे ही आप मीडियम वाले साइड से पनीर को भी पूरा अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। तो हमारा जो है पनीर और ये दोनों मिक्स हो गया है, और अब इसमें हम सारे जो हमारे मसाले हैं, प्याज है, वो सब ऐड करते हैं। मैं आपको एक एक दिखाती हूँ कि क्या क्या इसमें हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर रहे हैं जो हमने ग्रीन चिल्ली कट करी थी, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा हरा धनिया हमने सब्जी के लिए रख लिया है, और इसमें हम 2 जो है बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर रहे हैं, और इसमें हमने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड कर दी है, और मेन हमारा इसमें चाट मसाला हमने ऐड किया, उसे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और लास्ट टाइम बाइंडिंग के लिए आपको समझ नहीं आया था कि मैंने क्या ऐड किया है, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऐड किया है ये इसबगोल, इसके 2 चम्मच छोटे वाले ऐड किए हैं, ज़्यादा इसबगोल नहीं डालना होता, फिर उसका टेस्ट थोड़ा ऐसे बकबका सा हो जाता है। बट आप क्वांटिटी मतलब सेम थोड़ा ही रखो, अच्छे से बाइंडिंग हो जाती है। और चीज़ ऐड करना मत भूलना क्योंकि इससे काफ़ी अच्छी बाइंडिंग होगी। हमारे पास ग्रेटेड चीज़ थोड़ी कम थी, फिर चीज़ स्लाइसेस थे वो मैंने थोड़ा इकट्ठा करके उसको कद्दूकस कर लिया है। अगर आपके पास ग्रेटेड चीज़ नहीं है, चीज़ क्यूब है, चीज़ स्लाइस है, तो उसको आप कद्दूकस करके आराम से इसमें यूज़ कर सकते हो। और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि चीज़ में भी थोड़ा नमक होता है, तो आप नमक हिसाब से ही ऐड करना। अगर कम लगेगा तो बाद में ऐड कर देना, पहले एकदम ज़्यादा मत ऐड करना। और फिर हम इस मटेरियल को पूरा अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे, जैसे हम पराठे के मटेरियल को मिक्स करते हैं। और यहाँ पे हमने ये देसी जुगाड़, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम इसको बनाएंगे दूध की थाली पे, दही की थाली पे, अगर आपके पास बटर पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बटर पेपर नहीं है तो आप इसको दूध की थाली पे बना सकते हो, बटर की पे बना सकते हो, उस पर अच्छे से जैसे हम मक्की की रोटी बनाते हैं वैसे इसको हमें बनाना होता है। तो इसको हमने 3 साइड से कट लगा लिया है, और इस पर अभी हम जो है जो हमारा मटेरियल है उसके बड़े बड़े से पेड़े करके इसके ऊपर बनाएंगे गोल शेप देके पूरा अपना पराठा।
रोटी, जो भी आप इसको बोलना चाहो, वेटलूस, पर ये बहुत ही टेस्टी होती है गाइज़। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना बनाने की, काफ़ी अच्छी बनती है, टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा होता है। तो अभी हमने अपनी रोटी को पूरा अच्छे से गोल गोल कर लिया है और अब हम इसको सेकने के लिए रख देंगे। सबसे पहले हम तवे को पूरा अच्छे से घी लगाएंगे, अच्छे से पूरा घी से ग्रीस कर देंगे कि हमारी रोटी चिपकनी नहीं चाहिए और अच्छे से पकनी चाहिए। तो इसमें अच्छे से आप एक इस पर घी लगा लो, जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में। आप घी, बटर कितना भी यूज़ कर सकते हो, कोई डरने वाली बात नहीं है। इसमें अच्छे से आप अपना फैट जो है ले सकते हो और रोटी हमारी पूरी बहुत अच्छी इसकी शेप आई है, जैसे कि आप देख रहे हो। और फिर हम इसको, रोटी को ऐसे उठा के अपने हाथों पे ऐसे उल्टा करके तवे पे रख देंगे और ऊपर से जो हमारा पॉलीथीन है इसको निकाल लेंगे। बहुत इजीली ये निकल जाता है, कोई इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, बहुत आराम से निकल जाएगा। और मैं यहाँ पर खुद की तारीफ़ करते हुए कि मैं काफ़ी अच्छी रोटी बना रही हूँ, बस इसको बदलना पलटना मतलब थोड़ा मुश्किल रहता है। तो मैंने यहाँ पे प्लेट को अच्छे से देसी घी लगा लिया था और उसके ऊपर हमने रोटी को, आप जितने अच्छे से लो फ्लेम पे पकाओगे तो ये आराम से निकल जाती है रोटी। तो जैसे कि आप देख सकते हो रोटी बहुत आराम से निकल गई थी, तो इसको दोबारा से डालना थोड़ा सा टफ होता है। जैसे कि आप देख रहे हो टूट भी जाती है, बट आपको ये नहीं सोचना कि रोटी टूट गई है, वो दोबारा से अपना शेप ले लेते हैं क्योंकि इसमें चीज़ होता है और बाइंडिंग के लिए हमने सब गोल डाला है। तो आप देखना, अभी मैं तवे पे इसको पूरा रोटी को दोबारा अपने हल्के हाथों से या पैन से, जो भी आप इसको रोटी से चेंज कर रहे हो उससे, इसको दोबारा से शेप दे सकते हो। पूरा जुड़ जाएगी, ऐसा नहीं है कि टूटी हुई रहेगी, पूरा गोल ये दोबारा से अपना शेप ले लेती है। तो आपको ऐसे हल्के हल्के हाथों से इसे अच्छे से जोड़ देना, फिर थोड़ा थोड़ा इस पर घी लगाओ, इसको पकाओ, फिर दोबारा से इसको पलटो, तो ये काफ़ी अच्छी रोटी बनती है। अभी आप देखना एंड में कि ये बहुत ही अच्छी बनी थी, टूट रही है, ऐसा हो रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो अच्छी बनेगी। तो हमारी रोटी लास्ट में कुछ ऐसी रेडी हुई थी, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी मैं इसको अपने लिए खाने के लिए सर्व करूँगी, तो आप देखना कितना अच्छा इसका शेप आया, पूरा पराठे जैसी लग रही है और मैं काफ़ी खुश हुई ये बना के, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। इसे आप सब चीज़ के साथ खाओ। और गाइस, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। कोई और रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।